आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. निपाणी शहरासह ग्रामीण भागात रमजान ईद साजरी. मुस्लिम धर्मामध्ये सर्वात महत्त्वाचा सण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रमजान ईद आज निपाणी शहरासह ग्रामीण भागात मोठ्या उत्साहात धार्मिक वातावरणात आनंदाने साजरी केली. निपाणी येथील ईदगाह मैदानात मुस्लिम समाज बांधवांनी ईदची नमाज अदा केली. या ईदला त्यागाचं प्रतीक समजलं जातं. या रमजान महिन्यात अन्नदानास सर्वात महत्त्व आहे. आज सकाळी ईदगाह मैदानावर मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन विश्वशांतीसाठी तसेच देशात सुखशांती नांदावी यासाठी एकत्र नमाज पठण केलं. यावेळी मौलाना इलियाज अहमद कोन्नूर यांनी ईद सणाचं महत्त्व विशद केलं. हाफिज इस्माईल ननदी, अंजुम बोर्ड व्हाईस प्रेसिडेंट हाजी उमर काझी, प्रोफेसर अख्तार बागवान यांच्यासह मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी अनेक जण आलिंगन देत शुभेच्छा देत होते. महानकर न्यूज साठी निपाणीहून गौतम जाधव. इलियास अहमद, रमजान का जो महीना हमारा है, एक महीने का उपवास होता है, 20 दिन का. जब चांद देखकर रोजा शुरू करते हैं एक महीने का, फिर दूसरे महीने चांद देखकर रोजा खत्म होता है. कभी 29 होता है, कभी 30 होता है, लेकिन चांद पर होता ही. रमजान में सबसे बड़ा फायदा हमारा ये है कि हमारे अल्लाह ने, हमारे परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया कि रोज़ा रखें. सबसे बड़ा एक है कि हम अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं. और उसी है कि हमारे बदन के अतबार से भी हमारे इसके अंदर बहुत सारे फ़वाद हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हर एक हमारे जो बदन के जो अज़ा हैं, पेट है और हाथ पैर वगैरह हैं, दिमाग है, इसके अंदर बहुत कुव्वत मिलती है इस रोज़ा रखने से. अल्लाह का जो हुक्म है उसको पूरा करने का है, तो रोज़ा एक हमारा हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि साल भर में एक महीने के रोज़े रखे जाते हैं, इससे अल्लाह का हुक्म पूरा होता है. और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर हमारे बदन की जो पार्ट्स हैं उसको कुव्वत मिलती है. कुछ ना, जैसे हमारा पेट का जो हिस्सा है उसको कुछ न के वक्त के लिए खाली रखना पड़ता है, जिससे बाकी जो बाकी हमारे पार्ट्स हैं बदन के, वह सही काम करते हैं. मुसलमान को समझना चाहिए कि आदमी भूखा रहने के बाद क्या तकलीफ होती है. तो ऐसे गरीब लोग जब भूखे रहते हैं तो उनके लिए खाना पीना देना ये रमज़ान में होते रहता है. रमज़ान में गरीबों को खाना पीना और कपड़ा लत्ता ये सब गरीबों को दिया जाता है.